हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले जो नॉर्मली मैं मानसून में फ़ेस करता हूँ और मेरे ख्याल से सब लोग फेस करते होंगे, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है वाइज़र बंद करने में। जब भी आप मानसून में राइड कर रहे हो या फिर ठंडे मौसम में भी होता ही है, तो बंद करने पे आपकी ब्रीदिंग की वजह से इसके ऊपर एक फॉग की लेयर जमा होने लगती है। अभी ये फॉग की लेयर की वजह से दिखाई नहीं देता और फिर हम लोग को ये वाइज़र खोलना पड़ता है बार बार। अब वाइज़र खोलने पे प्रॉब्लम ये होता है कि बारिश हो रही है अगर तो पानी अंदर आने लगता है, तो अब करें क्या? तो इसका सॉल्यूशन है एक्चुअली, हाँ है सॉल्यूशन, सचिन सॉल्यूशन है ये डैंड्रफ शैम्पू हेड एंड शोल्डर। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो अभी हेड एंड शोल्डर से करना क्या है बताता हूँ मैं। ये जो वाइज़र है इसको सबसे पहले आप अच्छे से पानी से क्लीन कर लो, पूरा धो लो उसको, ठीक है। ध्यान रखिए कि इस पर स्क्रैचेस कम से कम हो। इस पर ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रैचेस मैंने कर दिए हैं, मेरी बेटी ने बहुत सारे किए हैं इसमें, ठीक है। तो इसको क्लीन कर लिया आपने, वॉश कर लिया पूरा पानी से। साफ़ करने के बाद में अब क्या करना है, अब ये जो शैम्पू है इसको खोलो, ठीक है। इसमें से थोड़ा शैम्पू, थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने थोड़ा शैम्पू लिया, ठीक है, इसको अच्छे से वाइज़र पे लगा दो पूरा। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ लगाना है। अभी ये लगा के हो गया, इसको 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो आप 5-10 मिनट देखो वीडियो, बोर हो जाओगे लेकिन चलेगा, मैं तब तक जाके आता। अरे अभी तक आप लोग इधर ही हो, ठीक है, मतलब तो देखना है आपको, ओके। तो अभी अराउंड 7-8 मिनट हो गए, तो इसको आप एक साफ़ रुमाल लेके कॉटन का उसे क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं आप, इससे इसको गीला वीला कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही पोंछना है बस। पूरा अच्छे से क्लीन करना, नहीं तो वैसे ही धुंधला दिखेगा। फाइनली हो गया। अब इसके ऊपर एक लेयर होगी, ठीक है, शैम्पू की, तो अब इसके ऊपर फॉग नहीं जमा होगा। नो फॉग, मस्त आइडिया ना, तो ये ट्राई करो। और हाँ, एक चीज़, ये सेम प्रॉब्लम जो रियर व्यू मिरर रहता है उसके ऊपर भी होता है, तो उसके ऊपर भी सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हो। उस पर भी आप शैम्पू का एक लेयर लगाओ और उसको क्लीन कर दो, उसके ऊपर पानी नहीं जमा होगा, फॉग पे ज़्यादा जमा नहीं होगा, तो आपका रियर व्यू मिरर में भी आपको व्यू अच्छा मिलेगा। ओके, जस्ट इन केस ये शैम्पू नहीं ले पा रहे हो फॉर एनी रीज़न, आपके पैसे ख़त्म हो गए शायद, 2 रुपये भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आलू को काटो उसको, लेकिन पुराना आलू मत लेना, उसको फ्रेश कट किया हुआ रहना चाहिए, सेंटर से कट करो और उसको पूरा इसके ऊपर वाइज़र के ऊपर थोड़ा टाइम उसको रब करो, अंदर बाहर दोनों तरफ। उसके बाद सेम वही कॉटन के कपड़े, साफ़ कपड़े से क्लीन कर दो उसको, दैट्स इट। उसके बाद फॉग जमा नहीं होगा और पानी भी उसके ऊपर रुकेगा नहीं, पानी स्लाइड हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो आपको व्यू आपका ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा और आप सेफली राइड कर सकते हो। तो दैट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा है टिप, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सिंपल फ्री है। बाय बाय।